इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। मरकजी रेल वजीर जनाब सुरेश अंगड़ी की मौत से शहर में गम का माहौल देखा गया। 2004 से अब तक मुस्तकिल चार बार जीत हासिल करने वाले सुरेश अंगड़ी की मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, लिहाजा इनकी मौत ने बेलगाम वालों को काफी नुकसान हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। वैसे तो इनकी मौत कोरोना से होने की वजह से बेलगाम शहर में आखिरी रसूमात अंजाम देने की उम्मीद कम ही थी। इनके घर के अक्सर अफराद वैसे भी दिल्ली में ही मौजूद थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। काफी लोगों की मांग थी कि उनके चाहने वाले इनका आखिरी दीदार करें, पर कोरोना से मौत होने की वजह से सुरेश अंगड़ी को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 4 में दफन किया गया। जुमेरात को 4 बजे के दरमियान इन्हें लिंगायत कब्रिस्तान में दफन किया गया। इस वक्त बेलगाम के नजदीकी दोस्त अहबाब, बेलगाम भाजपा के सियासी कायदीन, रिश्तेदार शामिल रहे। पसमानदगान में बीवी, बेटा और बेटी है। आखिरी रसूमात में बेटी ने शिरकत फरमाई। वाजह रहे कि सुरेश अंगड़ी ने 4 बार बेलगाम पार्लियामेंट से कामयाबी हासिल की थी। लिंगायत मजहब के मुताबिक आखिरी रसूमात को अंजाम दिए गए। रेल पुलिस की जानिब से सलाम भी पेश किया गया। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक आखिरी रसूमात मुकम्मल किए गए। इसके लिए लिंगायत स्वामी बालप्पा हिरेमठ ने शिरकत फरमाई। कोरोना से अब तक 4 सांसदों की मौत वाकई हो चुके, जिसमें अशोक गस्ती, बल्ला दुर्गा प्रसाद राव, एच वसंत कुमार और अब सुरेश अंगड़ी की मौत हुई। कोरोना आलमी वबा का खौफ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सियासी लीडर भी इसकी जद से नहीं बच पा रहे। लिहाजा सुरेश अंगड़ी की मौत से बेलगाम और अतराफ में एक तरह का गम का माहौल देखा। एक तरफ शहर में कारपोरेशन इंतखाबात का इंतजार हो रहा है तो तालुकाओं में ग्राम पंचायत इंतखाबात की जल्दबाजी देखी जा रही है। जिस तरह शहर में हर एक को कारपोरेटर बनना है तो ग्राम पंचायत इंतखाबात में जीत हासिल करने का ख्वाब भी देखने वाले काफी निकल आए हैं। ग्राम पंचायत इंतखाबात की तैयारी भी काफी लोगों ने शुरू की हुई। कुछ लोग गली मोहल्ले में जाकर काम करने का ड्रामा करते दिखाई दे रहे हैं तो कुछ अभी से पार्टियों का दौर जारी रखे हुए। सिर्फ तारीख के इंतजार में काफी लोग हैं ताकि जल्दी से अर्जी दाखिल कर कामयाबी हासिल कर पाए, पर इलेक्शन कमीशन ने अब तक तारीख का ऐलान नहीं किया है। कुछ लोग मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। पूरा मुल्क कोरोना महामारी से खौफजदा है तो बेलगाम शहर और अतराफ में कारपोरेशन और ग्राम पंचायत इंतखाबात की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। पर यह जरूर कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत और कारपोरेशन इंतखाबात जल्द होने वाले, सभी की नजरें तो तारीख पर टिकी हुई है। अब देखना है कि जल्द से जल्द तारीख के ऐलान होते हैं और कितने लोग और भी इसमें शरीक होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुर्म का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां तक मंदिरों की दान पेटियों पर चोरों ने हाथ साफ करना शुरू किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में 15 वारदातें चोरी की हुई हैं, जिसमें अक्सर मंदिरों पर चोरों ने डाका डाला हुआ है। अब चोरी के लिए छोटे बच्चों से लेकर खवातीन तक शरीक होते दिखाई दे रहे हैं। मियां बीवी दोनों ने मिलकर चोरी करने की वारदातें भी बेलगाम शहर में पेश आई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। बेलगाम शहर का मारूफ सोने की चांदी की दुकान कल्याण ज्वेलर्स में हुबली के रहने वाले विरक्तानंद उर्फ संतोष गढ़ और शरद श्रीकांत कारंत को गिरफ्तार किया गया। दोनों शातिर चोर ना सिर्फ जेवरात चोरी करते हैं बल्कि घरों में घुसकर मोबाइल और महंगी चीजों पर हाथ साफ करते हैं। बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ती चोरी की वारदातें पुलिस के लिए चुनौती बन रही। बढ़ती बेरोजगारी से भी कुछ नौजवान जुर्म की राह पर चल पड़े हैं और औरतों और बच्चों की तक जुर्म में शिरकत यकीनन लम्हे फिक्र है। माशरे के जिम्मेदार जमात के जिम्मेदार इंतजामिया को इस पर गौर करने की। मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ है, इन्होंने जो भी फैसले लिए हैं किसान मुखालिफ है। भारत को किसानों का मुल्क कहा जाता है पर मोदी हुकूमत ने जो बिल पास किया है वो किसानों पर मुसीबतों को नाफिज करने वाला है। लिहाजा किसानों की जमीन को लेकर तरमीम की गई, इसकी सख्त मुखालफत करते हुए कर्नाटक में भी बंद का ऐलान किया गया। किसानों ने एपीएमसी तरमीम कानून की भी मजम्मत करते हुए जोरदार एहतजाज का इशारा दिया हुआ। इस एहतजाज में तमाम टैक्सी, ट्रक, कैब ड्राइवरों ने किसानों के एहतजाज को कामयाब बनाने का ऐलान किया। जरूरी चीजें खासकर मेडिकल अस्पताल को छोड़कर तमाम महकमों को बंद रखने का फैसला लिया गया। वादा रहे कि किसानों के बिल को लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में एहतजाज किए जा रहे हैं।
कई जगहों पर इस एहतजाज को नाकाम करने के लिए लाठी चार्ज तक किया जा रहा। बरोस पीर 28 सितंबर को बंद का ऐलान किया गया। येडियुरप्पा पर फिर से रिश्वतखोरी का इल्जाम। कहा तकरीबन 700 करोड़ रुपए अपने रिश्तेदारों में गैर कानूनी तौर पर तकसीम करने का इल्जाम कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगाया। इससे पहले भी कोविड को लेकर बड़े पैमाने पर पैसों का गबन भाजपा हुकूमत की जानिब से करने का इल्जाम कांग्रेस ने लगाया था और कहा था कि आखिर करोड़ों रुपए कोरोना के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, आखिर कहां जा रहे हैं। मेडिकल चीजों को सस्ते में लाकर इनका खर्च बड़े पैमाने पर दिखाने का इल्जाम भी कांग्रेस की जानिब से किया गया था। एक बार फिर कांग्रेस की जानिब से पैसों के घोटाले का इल्जाम लगाया गया है। क्या वाकई येडियुरप्पा हुकूमत लुढ़कने की कगार पर है या नहीं, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना जरूर है कि कुछ भाजपा के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर मुश्किलों को खड़ा कर सकते हैं, ऐसा माहिरीन का कहना। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।